डिपार्टमेंट का लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको कहाँ पे जाना है। जैसे हम लोग जब यहाँ पे एज ए सेलर मतलब एज ए बीडर टेंडर भरने के लिए हम जब यहाँ पे लॉगिन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं अपना लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं सर पहले। हाँ लॉगिन आईडी क्रिएट करें, लॉगिन ना पहले लॉगिन आईडी। हाँ तो लॉगिन आईडी क्रिएट कैसे करते हैं ऑनलाइन बीडर इनरोलमेंट। पर ये जो लोग टेंडर फिल करते हैं मतलब हम लोग भरने के लिए यूज करते हैं, और जब डिपार्टमेंट टेंडर पब्लिश करने के लिए करता है तो उनके पास यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, वो उनकी पर्सनल लॉगिन पर से टेंडर आईडी यानी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके बताओ और फिर बताओ। तो जो लोग टेंडर पब्लिश करेंगे जैसे कि सरपंच ग्राम सभा या एनीवे कोई भी, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन नहीं, आपको वो वहां से एक फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड होगा यहाँ पे एक है यूजर क्रिएशन डेटा सीट 10 नंबर पे, ये एक डेटा सीट है यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे ये डाउनलोड होगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम है ना, रिक्वेस्ट फॉर टेंडर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, ये अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट है। जिनका नाम रहेगा मान लो सरपंच का बनाना है, ग्राम सेवक का, जेई का, क्लर्क का, किसी का भी बनाना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट का, ये ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डिटेल्स डालें डेजिग्नेशन, और यहाँ पे जो भी पंचायत समिति की पंचायत समिति का पंचायत समिति का सील और सरपंच ग्राम सेवक दोनों का साइन है ना, और ये फॉर्म आपको लेके जाना पड़ेगा। कहाँ लेके जाएंगे आप तो इसको, तो नोडल ऑफिसर के पास। तो आपके एरिया का नोडल ऑफिसर कौन है ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जाने का फाइंड माई नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर का एक अकाउंट होता है, ये फॉर्म के बेस पे वो अकाउंट क्रिएट करेगा। कहाँ पे मिलेगा इसका इन्फॉर्मेशन कौन है नोडल ऑफिसर, तो फाइंड माई नोडल ऑफिसर। यहाँ पे आपको देखना है कि आपके डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर कौन है, बोलिए अभी कहाँ का नोडल ऑफिसर मैं दिखाऊँ, बोलिए आप लोग कहीं को कहा भी बताओ कौन से डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर दिखाऊं। नगर परिषद है, नगर पंचायत, नगर पंचायत कहाँ का, बिहार, बिहार का भी यहाँ पे नहीं है, हम लोगों ने महाराष्ट्र का आईडी खोल कर रखा है, तो महाराष्ट्र में कहीं का बताओ सर। सर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट का बता दीजिए, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट का कौन सा, जिला परिषद का। हाँ सर जिला परिषद, तो यहाँ पे जिला परिषद को बोलते हैं आरडीडी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हिंगोली, तो यहाँ पे आरडीडी हिंगोली देना है, हिंगोली ले लिया। अभी पूरे हिंगोली जिला परिषद के लिए कौन है इसका नोडल ऑफिसर, जनरली यहाँ पे सीओ होता है। हम यहाँ पे सर्च कर देंगे, मुझे यहाँ पे 3 लोग मिलेंगे, देखो यहाँ पे ग्राम सेवक को भी दिया है ठीक है, आरडीडी सीओ में 3 लोग है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, टेंडर क्लर्क है, 3 लोग है, इनका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे दे। ये तीनों में आप किसी के पास भी जाके अकाउंट बना सकते हो, पर फिर भी आपको लगता है कि आपके आपके तालुका लेवल पे पंचायत समिति में किसी को अकाउंट बनाने का अथॉरिटी दिया है क्या, तो वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे बोलते हैं पंचायत समिति को बोलते हैं DOY CO VP, इसको अभी CO VP मतलब पंचायत समिति के लिए कोई हेड है क्या, तो देखते हैं इसके पास भी जा सकते हैं, और यदि यहाँ पे मिला तो इनके पास भी जा सकते हैं, नहीं है कोई पंचायत समिति के लिए कोई नोडल ऑफिसर असाइन हिंगोली के लिए नहीं है। चलो तालुका लेवल पे देख लेते हैं, बोले आपका कौन सा तालुका है, कलंगुरी तालुका, कौन सा, कलंगुरी, कलंगुरी कलंगुरी कलंगुरी, अभी देखते हैं इस तालुका लेवल पे कोई नोडल ऑफिसर असाइन है क्या, तो हम उसके पास भी जा सकते हैं यदि असाइन है तो। नहीं है तो आपको पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको इसके पास ही जाना पड़ेगा जो हिंगोली है मेन, इसमें से आप तीनों में किसी के पास भी जाएंगे आपका अकाउंट फॉर्म लेके आपको जाना है तीनों में से। ये तीनों के लॉगिन आईडी जो इसका भी लॉगिन आईडी होता है, ये लॉगिन आईडी करके आपका अकाउंट उस फॉर्म के बेस पे क्रिएट कर देंगे, क्रिएट करने के बाद DSC बनाओ और आप खुद ही इनरोलमेंट कर सकते हो। आईडी बना देंगे, पासवर्ड जो आप सेट करना चाहे वो पासवर्ड सेट कर लेंगे, खाली आईडी बनाने का काम उनका रहेगा, और बाद में आप DSC जैसे एक नॉर्मल तरीके से हम लोग DSC इनरोलमेंट करते हैं एज ए बीडर का, सेम वैसे ही आप अपना आईडी DSC इनरोलमेंट कर सकते हो, पर DSC साइन और इंक्रिप्शन दोनों का होना चाहिए। क्लियर है, ओके सर, ओके सर, ऐसे आप पता करके आप अपना देख सकते हो।
हेलो हाँ बोलिए सर ग्राम पंचायत साठी कसं करायचं ग्राम पंचायत साठी यूजर आयडी क्रिएट कसा करायचा हो सेम प्रोसेस आहे ना सर तेच कुठला डिपार्टमेंट सगळ्यासाठी सेम प्रोसेस ठीक है कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी आदमी के लिए सेम प्रोसेस अपनाने का पीडब्ल्यूडी हो जिला परिषद हो कॉर्पोरेशन हो नगर परिषद हो इरिगेशन हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे यहीं से आपका आईडी बनेगा आप खुद यहाँ पे आईडी नहीं बना सकते आपको नोडल ऑफिसर का लॉगिन आईडी पासवर्ड लगेगा ही लगेगा हाँ एक नोडल ऑफिसर दूसरे नोडल ऑफिसर को असाइन भी कर सकते हैं एज ए नोडल ऑफिसर यदि आपने फॉर्म पे देखा होगा तो इनको रोल क्या देना है यहाँ पे देखो लिखा रहता है कहीं पर क्या रोल देना है तो आप नोडल ऑफिसर का रोल दे दिया तो वो फिर पूरे पंचायत समिति में कहीं का भी वो नोडल ऑफिसर यदि एक आदमी मान लो एक सरपंच को वहां का एक सरपंच को नोडल ऑफिसर का रोल असाइन कर दिया तो सरपंच किसी का भी आईडी क्रिएट करके दे सकता है तो उसके लिए उनको नोडल ऑफिसर का रोल असाइन होना चाहिए बाकी जैसा होगा उसके हिसाब से जो रोल देगा उसके हिसाब से वो आईडी क्रिएट करेगा है ना क्लियर है ओके सर ओके एक बार चाहे तो आपको यदि कभी नोडल ऑफिसर का आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो कोई एक आईडी को नोडल ऑफिसर का रोल असाइन कर देने का फिर आपको बार बार उस नोडल ऑफिसर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा आप खुद ही अपना वही वो अकाउंट के आईडी से आप दूसरे का अकाउंट बना सकते हो है ना बोलिए सर क्या रिपीट एचपी बोल के कौन कनेक्ट हुआ सर आप नाम से क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे हो बोलिए सर और किसी कोई डाउट्स क्लियर है यहां तक में जय पाटिल तो नाम चेंज करो ना सर